हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ओमपुश क्लासेस और कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर पायल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दर सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल कैनाटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और टाइप ऑफ रिएक्शन या फिर आप रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखते हो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे ठीक है तो बेटा ओके सबसे पहले अगर मैं टाइप ऑफ केमिकल रेट और रेट की बात करूं इन अ केमिकल रिएक्शन तो बेटा हमारे पास होता है रेट ऑफ डिसअपेयरेंस देन वी हैव इज योर रेट ऑफ डिसअपेयरेंस देन वी हैव इज योर रेट ऑफ अपेयरेंस और फिर आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है आगे भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होएगा अभी देखो रेट ऑफ रिएक्शन ओके ये तीन चीज़ें आ गई अब इनको समझते हैं मान लो अगर दो केसेस लेते हैं एक जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्री कॉफिशेंट क्या है सेम है हमने एक रिएक्शन लिया है बेटा कि ए प्लस बी इट गिव राइज टू योर वर्ड सी ठीक है अब हमें क्या लिखना है इसके लिए रेट ऑफ अपेयरेंस लिखना है डिसअपियरेंस लिखना है या रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू योर रेट ऑफ डिसअपेयरेंस एंड रेट ऑफ अपेयरेंस के लिए मुझे बोला गया है आपके पास जीरो फाइव है हमारे पास इधर अभी क्या होगा जीरो का जैसे टाइम बढ़ता रहेगा ये टेन से कितना हो जाएगा हो सकता है फाइव ये कितना हो गया टू और हो सकता है ये फाइव बढ़ चुका है हमारे पास ठीक है समझ रहे हो मेरी बात की टाइम जब हाँ, हमारे पास स्टार्ट नहीं हुआ था रिएक्शन तो रिएक्टेंट में क्या है अभी तक चीजें थी हमारे पास कि जितना रिएक्टेंट दिया उतना ही है अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो रिएक्टेंट्स आपस में मिक्स होते गए और वो क्या बनाते गए प्रोडक्ट बनाते गए अभी यहां पर देखो यहां पर क्या हुआ कि पहले रिएक्टेंट ज्यादा था अब रिएक्टेंट क्या हो गया है कम हो गया हो रहा है ना कम हमारे पास तो हाउ वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन याद रखेंगे आप कि रेट ऑफ अपेयर डिसअपियरेंस जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है ना कम हो रहे एक टाइम आएगा मान लो यहाँ पे टी वन लिया था आपने अब आपके पास टी टू है जब ये भी जीरो है ये भी जीरो और यहाँ पे क्या है ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बन गया तो एक टाइम आ रहा है हमारे पास जब आपके पास रिएक्टेंट क्या है डिसअपेयर हो रहा है तो रेट ऑफ हम किसके लिए लिखते हैं टू रिएक्टेंट और यहाँ पे क्या हो रहा है विद टाइम हमारे पास रेट जो है वो बढ़ रहा है किसका प्रोडक्ट का तो कौन अपेयर हो रहा है पहले जीरो था हमारे पास कोई अपेयरेंस नहीं थी प्रोडक्ट की अब आफ्टर फ्यू मिनट सेकेंड्स आपके पास क्या है प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया है तो दैट इज वॉट रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ योर प्रोडक्ट डन यहाँ पे देन वी हैव इज योर रेट रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन रिएक्शन अब देखो जो हो रहा है अपेयर हो रहा है मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ रहा है बन रहा है हमारे पास तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास क्या साइन लगेगा पॉजिटिव अब ये क्या हो रहा है रेट यहाँ पे क्या हो रहा है डिसअपेयर हो रहा है ना कम हो रहा है कम हो रहा है तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस में क्या जाएगा नेगेटिव अब मान लो मैंने एक रिएक्शन लिया है कोई भी लेट्स एक अनेदर एग्जाम्पल कि मुझे रिएक्शन लिया और मुझे उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है ठीक ठीक है, है है, है एक लिया हमने मान लो, अब अभी इसको balance नहीं करते हमें क्या लिखना सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपेयरेंस दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपेयरेंस सबको इक्वल करके लिखना है, है ना तो यहां पे हमें इसके लिए माइनस डी एच की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी विद टाइम टाइम के साथ चलेगा ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच कम हो रही है तो नेगेटिव साइन क्या है बी आर टू है बी आर टू का भी कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम ही लेके चलते हैं डिवाइडेड बाई डी टू और फिर क्या हो रहा है अपेरेंस हो रही है किसकी एच बी आर की डी एच बी आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास डी अब ये तो था हमारे पास दिस वॉज योर रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट के साइड मैंने क्या लगा दिया नेगेटिव चार्ज दिस इज योर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट के साथ क्या लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव साइन ठीक है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है इन दोनों में इधर आ गया पॉजिटिव साइन हमारे पास तो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है डिस्कस जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्री या कॉफिशेंट जो है डॉक्यूमेंट्री कॉफिशेंट जो है दैट इज योर सेम ओके फाइन व्हाट इफ अगर डॉक्यूमेंट्री कॉफिशेंट जो है मेरे पास डिफरेंट है एक इक्वेशन लिखते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव अ 5 Br नेगेटिव प्लस बी आर नेगेटिव प्लस वी हैव इज योर सिक्स एच पॉजिटिव इट गिव राइज टू योर थ्री बी प्लस योर थ्री एच तो जब भी आपके पास कॉफिश गिवन है हमारे पास कोई नंबर दिया है तो उसको कैसे लिखते हैं हम डेसिमल की फॉर्म सॉरी uh, uh, आप उसको क्या करेंगे यू विल राइट डाउन ओके रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इसे यहाँ पे हमारे पास क्या फाइव दिया है ना तो ये क्या हो जाएगा वन बाय फाइव अब हमें रेट जो लिख रहे हैं हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं ये रिएक्टेंट के लिए तो रिएक्टेंट के साथ मैंने अभी भी आपको बताया कि साइन क्या जाएगा नेगेटिव तो नेगेटिव साइन डी

एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाई डी टी दिस इज योर वर्ट एक्चुअली रेट ऑफ अपेयरेंस लिखना होगा तो अपेयरेंस किसका हो रहा है प्रोडक्ट का ना उसके साथ साइन क्या जाएगा पॉजिटिव वन बाई थ्री डी बी आर टू डिड बाई योर डी टी दट इज इक्वल टू योर किसके इक्वल आ जाएगा डी वन बाई थ्री डी एच टू ओ डिड बाई योर डी टू डी टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे अगर आपके पास डिसअपियरेंस शो कर रहे हो आप देन यू हैव टू यूज द नेगेटिव चार्ज और अगर आप अपेयरेंस शो कर रहे हो तो और कुछ नहीं करना है बस उसके आगे क्या लगा देंगे पॉजिटिव साइन लगा देंगे ठीक है ओके तो दिस वॉज योर इफ्स डॉक्यूमेंट्रिक कॉफिशेंट क्या है हमारे पास बेटा दैट इज योर डिफरेंट अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं सी ओके okay, हमें क्वेश्चन दिया है दैट इन अ रिएक्शन टू ए प्लस प्रोडक्ट ओके एक रिएक्शन दिया है कि टू ए से हमारे पास क्या है प्रोडक्ट में जा रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव टू जीरो पॉइंट फोर कि पहले इसकी कंसंट्रेशन जीरो पॉइंट फाइव थी अब कितनी हो गई है जीरो हो गया है और कितने टाइम में हुई है टाइम क्या लिया है हमने टेन मिनट्स लिए हैं कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल तो इसके लिए रेट निकालना है हमें तो हमें रेट लिखने तो आ ही गया है कैसे लिखते हैं रेट हमारे हमारे पास It is your what? 2A, minus पास इट इज योर माइनस का साइन आएगा अब आपको क्योंकि सिर्फ क्या बोला है ए के ऊपर ही फोकस किया है ना तो हमें सिर्फ रेट किसके लिए लिखना है इसके लिए लिखना है अब यहाँ पे देखो हमारे पास आपके पास क्या है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है ना ए में चेंज आ रहा है हमारे पास तो यहां पे फाइव और फोर में कितने का चेंज आ गया का तो जीरो पॉइंट वन यहाँ पे डिवाइडेड बाय टाइम कितना हुआ है डी हमें टाइम इंटरवल कितना दिया है टेन दिया है दस इज वॉट तो यही आपका आंसर आ जाएगा आंसर इज गोइंग टू बी वॉट जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई यू जीरो ठीक है अच्छा ओके 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 यहाँ पे हमारे पास रेट क्या होता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमारे पास चेंज निकाल रहे हैं ना तो यहाँ पे मैंने क्योंकि पॉजिटिव का साइन आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का होगा क्यों बिकॉज सी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सॉरी uh, जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन तो फाइनल कितना है 0.4 पॉइंट फोर माइनस इज गोइंग टू बी 0.1 माइनस का तो हमारे पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई यू ट्वेंटी तो अगर आप इसका डेसिमल हटाओगे भी हमारे पास या मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे दैट इज गोइंग टू बी योर वॉट आंसर आ जाएगा ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं किया वॉट वी है आप कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक है ठीक है नेक्स्ट ये था हमारे पास बेटा टाइप ऑफ कि किस तरह से आप रेट लिखते हो ये बेसिक सा हमने किया कि रेट हम किस तरह से लिखेंगे उसके अलावा कुछ नहीं नेक्स्ट वी हैव इज योर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन

ज्यादा रिएक्टिव हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या होगा ज्यादा बनेगा ठीक है ओके तो हमारे पास मतलब कि अगर ये दोनों रिएक्टिव है तो रेट भी क्या हो जाएगा हमारे पास रेट इज ऑल्सो गोइंग टू योर इंक्रीज नेक्स्ट वी हैव हाँ इज योर सरफेस एरिया अच्छा इसका एक एग्जांपल लेते हैं अगर मैंने एक बड़ा सा वुडन लॉग लिया और इसी वुडन लॉग के क्या कर लिए मैंने टुकड़े 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 कर दिए ठीक है अब देखो इधर सरफेस एरिया कितना है इतना सा ही है ना यही चार साइड है सरफेस एरिया और इधर सरफेस एरिया इधर भी है इधर भी है इधर भी है मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है अगर मान लो मैं इसको भी बर्न करूं और इनको बर्न करूं तो ज्यादा फास्ट कौन बर्न होगा ये ज्यादा फास्ट बर्न होगा तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो जो आपके पास रेट होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर वट मोर तो इट इज योर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट

ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज अ कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट का तो इतना हमें बहुत बेसिक सा पता है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं स्पीड अप करते हैं किसको रिएक्शन को अगर हमने कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी है उसको हम सी में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर हम इसमें कैटलिस्ट स्टार्ट करते तो वो क्या कर देगा रेट को इंक्रीज कर देगा तो वी कैन डायरेक्टली से कि बाय एडिंग द कैटलिस्ट रेट भी क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज हो जाता है ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज अर वॉट टेम्परेचर अब देखो अगर मैं मान लो फिर बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है इफ़ वी हैव टू अ ठीक है अगर वाटर को बॉइल करना है हमें ठीक है तो अगर मैंने एक जगह पे टेम्परेचर लिया है 50 डिग्री सेल्सियस एक जगह पे टेम्परेचर लिया है 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा फास्ट बॉइल कहां होगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस में ना तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा अब ठीक है तो अगर वही है वह कि अगर रेट बढ़ेगा तब जब आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहे हो नेक्स्ट वी हैव इज योर प्रेशर ये कब चलेगा हमारे पास गैसेस के केस में अब एक सिंपल से एग्जांपल की अगर मैं बात करूं अगर मान लो मुझे गैसेस को ही क्या करना है लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही जल्दी क्या होगा गैस लिक्विड में क्या हो जाएगी डिसॉल्व हो जाएगी तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपके पास दैट इज इंक्रीज ठीक है तो ये था हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कैटलिस्ट आ गया टेम्परेचर आ गया एंड वी हैव इज योर प्रेशर ओके ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे आई होप ये छोटा सा टॉपिक था आपको कि रेट क्या होता है रेट को हाउ डू वी राइट अ रेट फॉर अ रिएक्शन और रेट किस तरह से केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है कौन कौन सी चीजें जो रेट को अफेक्ट कर सकते हैं ओके थैंक यू एंड हैव अ गुड डे